हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गई। प्रीवियस वीडियो में एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 16 तक हम सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। करेक्ट, पहले हम जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे इसी चैप्टर के, उसी में से इक्विलेटरल ट्रायंगल था और डिफरेंट, मतलब जो तीनों साइड्स ट्रायंगल का है उसी ट्रायंगल का डिफरेंट साइड्स भी हम लेके सॉल्व करके आ रहे थे। अभी इस क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है? जिस ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल रहेंगे। करेक्ट, तो क्या करेंगे, यहां पर हमको गिवन है एक साइड और जो इक्वल साइड। अगर इक्वल साइड दिया गया तो थर्ड साइड उसका क्या होगा, मतलब दो साइड अगर इक्वल रहेंगे, एक 30 दिया गया है तो नेक्स्ट भी 30 होगा और जो थर्ड साइड है वो डिफरेंट है, वो 48 दिया गया है। करेक्ट, उसी में से हमको एरिया निकालना है। वो कैसे करेंगे, जो गिवन है वो लिख देंगे। ए इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर मैं लिख रही हूँ, आप कोई भी नेमिंग कर सकते हो। मुझे यहाँ इजी लगा, पहले 48 दिया गया था तो पहले मैं ए को 48 ले लिया हूँ, बी को मैं 30 लिया हूँ एंड सी को भी मैं 30 लिया हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल रहे तो बी सी मैं ऐसे करके ले लिया हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो उसी में से हमको एस निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, जो कि 48 प्लस 30 प्लस 30 इतना आ गया 8108 डिवाइडेड बाय टू, जो कि 54 सेंटीमीटर। करेक्ट, नेक्स्ट हमको क्या करना है, एस माइनस ए, एरिया निकालने के लिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी चाहिए। तो एस माइनस ए कितना, 54 माइनस 48 वो कितना आ जाएगा 6, एस माइनस बी 54 माइनस 30 ये 14, एस माइनस सी सेम 54 माइनस 30 जो कि वो भी 14, सॉरी 24, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, जो मैंने गलत किया था आ गया 6, 24 24। नेक्स्ट, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस बी, एस माइनस सी का ये स्क्वायर रूट रहेगा। एस का वैल्यू कितना था 54, एस माइनस ए 6, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 24। ठीक है, अभी हमको इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है जैसे कि हमको कपल अप नंबर मिलेगा और वहीं से हमको एक नंबर लेना है, स्क्वायर रूट को भी हटाना है। तो 54 को क्या करना है, 9 × 6 लिख सकते हैं, अदरवाइज 3 × 3, 9 को 3 × 3 डायरेक्टली लिख देंगे और इसको 6 लिख देंगे और इस 6 को हम रहने देंगे और इस 24 को भी रहने देंगे। 24 को आप डिवाइड भी कर सकते हो, अदरवाइज 24 हमारा 2 है, हम इसको कट क्यों करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट के अंदर। अभी हमको इस स्क्वायर रूट को हटाना है, ये 3 एक है, ये 6 एक है, ये 24 एक है। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 6 कितना आ जाएगा, 144 थ्री जा 432, टोटल 432 और एरिया है और यूनिट सेंटीमीटर पे है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरिमीटर इज 32 सेंटीमीटर।
फाइंड इट्स एरिया। इस क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक बेस गिवन है, मतलब दो जो साइड है वो गिवन नहीं है, ठीक है, पर पेरीमीटर हमको गिवन है। तो हमको क्या करना है, उसी साइड्स को जो दोनों इक्वल साइड रहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इक्वल साइड्स दो रहेंगे, ठीक है, तीनों साइड से, तो वो साइड को हम एक्स ले लेते हैं, करेक्ट। तो लेके कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स एंड अदर साइड ऑल्सो एक्स, क्योंकि बो साइड भी इक्वल है, अदर साइड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स है कि नहीं, जो हमको लेना है वही सेम टू सेम रहेगा आइसोसेलेस में, करेक्ट। और अदर वो जो थर्ड साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये एक सेंटीमीटर आप लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, है कि नहीं, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। तो नेक्स्ट क्या करना है, हमको पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का एडिशन, तो एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 32, इसी को इक्वल करके हमको क्या करना है, एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 10 है कि नहीं, आ गया एक्स, तो एक साइड 10 और दूसरे साइड ऑल्सो 10 है, दोनों इक्वल साइड रहेंगे, तो 10 आ गया, और दूसरे हमारा 12 है, मतलब थर्ड साइड हमारा 12 गिवन है। इसी में से हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, ए इज इक्वल टू हमको क्या निकालना है, ए इज इक्वल टू एक्स मतलब एक साइड वो भी 10, बी इज इक्वल टू एक्स वो भी 10 एंड सी इज इक्वल टू 12, ठीक है, आप नेमिंग कोई भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 जो कि 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 16 सेंटीमीटर एस आ गया। अभी हमको फाइंड करना है एरिया, एस कितना आया, एस इज इक्वल टू हमारा एस कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, करेक्ट। नेक्स्ट एस माइनस ए, 16 माइनस 10 6, एस माइनस बी 16 माइनस 10 सेम 10 होगा वो भी 6, एस माइनस सी 16 माइनस वो 12 था ये हमको गिवन था, ठीक है, तो ये हो गया 4 आ गया। नेक्स्ट नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी जो कि स्क्वायर रूट ऑफ कितना 16 इंटू 6 टू 6 इंटू 4, और अभी क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू 4 कर लेंगे, 6 को सेम टू सेम रख लेंगे और 4 को 2 इंटू 2 कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।